मेरे सारे साथी यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि जब अगर हादसा आया, भगवान ना करे, तब भी हमारा काम होगा कि हम अपने आप सुनिश्चित कर लें कि हम सब यहाँ पर पहुंच गए हैं, देयर बाय इंश्योरिंग कि ऊपर कोई नहीं रहा है। ऊपर मीनिंग आप जेल बिल्डिंग या योजना भवन में या एलएसली में, यहाँ पर नगर में, मंडी जिले के सुंदर नगर में 8 रिक्टर स्केल में एक भूकंप आता है। 8:30 बजे हमने वो ट्रिगर किया है और उसमें ये मान के चलते हैं कि काफ़ी नुकसान होने वाला है। और इस बार पहली बार जो है, ये 5वीं हमारी मेगा मॉक ड्रिल है और पूरे पहली बार जो है, पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही रिलीफ रेस्क्यू होता था, लेकिन इस बार हमने पूरे सब डिवीज़न में भी इसका प्रोग्राम किया जा रहा है। और नीचे अभी मैं नीचे से हमारा स्टेट इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर से आके आ रहा हूँ, सब जगह से फीडबैक आ रही है, हर जिले से, हर जगह से जो सिचुएशन दी है उनके अनुसार लोग अपना किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। कई जगह NDRF की रिक्वायरमेंट है, एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है, कई जगह कुछ इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा किया जा रहा है। मुझे इस बात की थोड़ी खुशी है कि पिछली एक्सरसाइज हमने जो की थी वो हमने फरवरी 2018 में की थी, उसमें और इस बार में बहुत फ़र्क है। जिस तरह से लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि जो सेक्रेट था पूरे 10 मिनट में खाली हो गया था। और पता है लोगों को कि ये एक मॉक हो रहा है, मॉक एक्सरसाइज है, उसके बावजूद भी सभी लोग, आप एक देख रहे हैं यहाँ पे हमारे सेक्रेट के सभी लोग बाहर आ रहे हैं, तो एक सीरियसनेस को दिखाता है। और बार बार जब हम इस प्रकार की मॉक एक्सरसाइज करेंगे तो लोगों में एक अवेयरनेस होती है, मीडिया के माध्यम से हो या प्रिंट मीडिया के, आपके इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भी ये जब संदेश जाता है तो लोग इन चीज़ों के प्रति जागरूक होते हैं। जब कोई सायरन बजता है उसका मतलब क्या होता है, किस प्रकार से लोगों का जो अगर एम्बुलेंस आती है उसके लिए स्थान देना होता है, तो इस प्रकार की हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते रहेंगे। हमने अभी एक वर्ल्ड बैंक को पहले एक प्रोजेक्ट दिया था कि हमें इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हमें पैसा चाहिए, तो वहाँ पे तो हमें कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद हमने AFD में उसको मूव किया था। AFD ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है, तो अगर हम अब उसको डिटेल्ड वहाँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट देंगे, अगर वो जारी हो जाता है, आज की हमें खबर मिली है, तो लगभग 800 करोड़ रुपये उसमें सेंक्शन होगा। देखते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि पैसा आ जाए। जब ये आ जाएगा तो हम स्टेट इमरजेंसी सेंटर बनाएंगे, उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो हमारे DOC सेंटर है उनको भी हम एक्टिवेट करेंगे, ताकि एक इस प्रकार का यहाँ पे जैसे इस स्थान पे भी अगर हमारा जो एक बन जाएगा इमरजेंसी सेंटर, उसमें ये होगा कि जो IMD की फीड है, जो सैटेलाइट की फीड है, हर प्रकार की जो है वो यहीं पे आए। और जो हमारा जो IRT के मेंबर्स हैं, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर का, अगर कैसी कोई दुर्घटना घटती है तो वहाँ पे आकर के निर्णय ले सके। और जिसमें भी हमारा जो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस, NDRF से बात करनी हो,
IDBP, आर्मी से, एयरफोर्स से, वहाँ से की जा सके। तो इसमें सार्थक रिजल्ट निकलने की संभावना है और बार बार जब हम इस प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं तो निश्चित तौर पे जो है अवेयरनेस आती है। और मुझे लगता है कि जब ये प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये बात जाती है तो लोग जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो भी कोई घर बनाते हैं, उसमें भी जो इसमें भूकंप रोधी चीज़ को किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में ख्याल रखेंगे। जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 1905 में जब भूकंप जो है कांगड़ा में आया था उनमें से लगभग 20,000 लोग मारे गए थे, लेकिन आज की डेट में, उस समय सुबह का समय था, लोग खेतों के काम के लिए निकल जाते थे, लेकिन बहुत साइंटिफिक स्टडी हुई है कि आज की डेट में उस मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आता है तो स्टडीज ये कहती हैं कि 20,000 के बजाय 1,60,000 लोगों की डेथ होगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का नुकसान और किस तरह का भयावह मंजर होगा, उसी को बचाने के लिए कि किस प्रकार से लाइफ को हम लोग तुरंत जो एक्टिवेट होकर के इमीडिएट हमारा रिस्पांस ठीक होता है तो किस प्रकार से उसको मिटिगेशन किया जा सकता है, किस प्रकार से उस जो जान माल को कम किया जा सकता है। इस बारे में अवेयरनेस सभी जगह से चल रही है, TCP, PWD विभाग और सबको इंस्ट्रक्शन भी जारी हैं और वो लोग प्रावधान भी कर रहे हैं। आज तो हमारी ये मेगा मॉक एक्सरसाइज हो रही है, आपको मालूम है कि पिछले कल ही 7:55 पे शिमला के आसपास ही 3.1 का एक्चुअल भूकंप आया था। अगर वो 3.1 की जगह 5.1 होता तो आज स्थिति शायद बहुत कुछ अलग होती, क्योंकि आपने जैसे कहा कि जोन 5 में आ रहता है और अगर यहाँ पे कोई अर्थक्वेक आता है तो बहुत भयंकर होने वाला है। इसके लिए आपके से भी अनुरोध है कि आपके माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का हम लोगों से अपील करते हैं कि जो भी कोई स्ट्रक्चर बनाए, जो भी कोई घर बनाए, थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च करें, लेकिन ये जो भी इसमें सिस्मिक पैड लगाना होता है, जो भी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करें। सर वही यदि बात की कौन बोल रहा है।